तो है व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। तो यह है मेरे पास स्प्रेयर मशीन का पार्ट टू वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसको मैंने किस तरह से बनाया है आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से दिखाई देगा। ठीक है, मशीन है, इसको मैंने वायरलेस बनाया है बिल्कुल। इसका जो स्प्रेयर मशीन है और इसका जो लाइट्स है, इसको हम पूरा रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वर्किंग दिखाऊंगा और इसको हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको मैं डिसअसेंबल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी को, इसके जो पार्ट्स हैं सभी को मैंने अलग अलग कर रखा है। तो इन सभी को मैं आप इसमें अटैच करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या मैंने इसमें लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने 4x4 बनाया है, मतलब कि इसमें पावरफुल जॉनसन गियर मोटर लगाया हुआ है। और इसका जो फ्रेम है आपने देखा होगा, मैंने पूरा इसका फ्रेम मेटल से बनाया हुआ है, वेल्डिंग वेल्डिंग कराने गया था, आपने देखा होगा वीडियो में। यह है मोटर ड्राइवर L298, यह है इसको ऑन ऑफ करने के लिए पुश बटन, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए फीमेल चार्जिंग सॉकेट है जिसको हम 12 वोल्ट अडॉप्टर से चार्ज कर सकते हैं। इस वाले अडॉप्टर से हम इसको चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं। ये रहा सोलर पैनल, इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और बैटरी जो है वो चार्ज होगा। और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये है एक सनबोर्ड सीट, तो इसको मैं साइड रखता हूँ। इसका सिस्टम पूरा अलग है, मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है, ये अलग है। ठीक है, सो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास इसका रिमोट है, उसको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने रिमोट बनाया हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम वायरलेस कंट्रोल कर सकते हैं। दो बटन दिया हुआ है, एक बटन जो है वो है वाटर पंप को ऑन करने के लिए, और दूसरा बटन जो है इस LED को ऑन करने के लिए। ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया, और इस मोटर को ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ओके, इसमें ही मैंने अलग अलग टाइप्स के पार्ट यूज़ किया हुआ है। यह है 5 वोल्ट रिले कॉइल, जिसमें मैंने मोटर का कनेक्शन किया है, और यह है हमारा जो टॉय में लगता है RC रिसीवर, RC कंट्रोलर जो होता है, उसको मैंने यूज़ किया इसको कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बैटरीज है। सो ये जो बैटरी है यह है LED लाइट के लिए, और ये जो 3 बैटरी है यह है वाटर पंप के लिए। सो इन तीनों बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इसमें अडॉप्टर से चार्ज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और इसको हम सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि इसको निकाल कर हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से हम फोन चार्जर से चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2 नोजल लगाया हुआ है। सो इन दोनों नोजल से स्प्रे निकलता है वाटर का, दवाई का, जो भी आप इसमें डालेंगे टैंक में। ये पाइप वाटर पंप से होते हुए इधर टैंक में आ गया। सो ये टैंक है बहुत ही बड़ा है, मेरे ख्याल से 5-6 लीटर का होगा ये देखो। तो चलिए अब मैं इन सभी को इसमें सेटअप करके दिखाता हूँ, बोले तो असेंबल करता हूँ मैं। तो इसको असेंबल करने के लिए हमें कुछ इस तरह से असेंबल करना होगा। एक पाइप निकला हुआ है, ये हो गया, तो ये जो है बिल्कुल टाइट हो गया है। ये देखो, इसमें मैंने ये डबल साइडेड टेप यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। सो और इस टैंक को हम यहाँ पर रख देंगे, इस सोलर पैनल को हम यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो चलिए हम इस टैंक में पानी भरते हैं डेमो के लिए। तो इसको चलिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इधर आइए, ये है इसका ऑन करने का बटन, ये ऑन हो गया। यहाँ पर नोड एंड से में भी पावर आ चुका है, ये देखो ब्लू लाइट जल रही है इसका। ओके, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा, इसका वाईफाई ऑन करना होगा। और यहाँ पर देखो इसका नेटवर्क जो है कनेक्टेड हो चुका है मैप प्रोजेक्ट नेम से। इसके बाद हमें ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना होगा, ये देखो। तो ये देखो, इसे बिल्कुल अच्छे से स्प्रे निकल रहा है पानी। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, मैंने इसका स्प्रे ऑन कर दिया है, और इसको मोबाइल से कंट्रोल करके मैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करके दिखाता हूँ। ये देखो,
और यहाँ पर पुश बटन दिया गया है, इसको दबा के रखने पर ऑन हो जाएगा और छोड़ने पर ऑफ हो जाएगा, मतलब कि इसमें दो फंक्शन है, ठीक है। तो वाटर पंप और जो लाइट है ये रिमोट से कंट्रोल होगा, और इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए हमें मोबाइल का कंट्रोल यूज़ करना होगा। ये सो ये जो है ये वाईफाई से कनेक्टेड है मोबाइल से, जिसका रेंज बहुत ही ज़्यादा है। तो आपने इसका वर्किंग देख लिया अच्छे से, और ये किस तरह से काम करते हैं मैंने आपको बताया भी, कैसे इसको हम सेटअप कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है, इसमें कितना मेहनत लगता है। ओके, इसको बनाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं harishproject.com से, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ पर आप साइंस प्रोजेक्ट किट, स्कूल साइंस एग्जीबिशन के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं किट, ठीक है। और हमारे वेबसाइट से आप आर्डिनो वगैरह, सेंसर्स, बैटरी, व्हील, मोटर्स, जंपर वायर्स, एलईडी लाइट्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस में और हाई क्वालिटी में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो भाई अभी बहुत ज़्यादा धूप है और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर धूप में खड़े होकर, पसीना आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और आपके प्रोजेक्ट कैसा लगा वो भी मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी पार्ट्स यूज़ किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, सन बोर्ड वगैरह जितने भी मैंने यूज़ किया है, उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और इसका फुल किट का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं
बिल्कुल लो प्राइस में और अच्छे क्वालिटी में, ठीक है। इसको मैंने कॉलेज लेवल के लिए बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है किसानों के लिए। और इसका जो थीम है ये है एग्रीकल्चर, सो आप इसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई वेबसाइट को चेकआउट ज़रूर करना, वहाँ पर आपके काम का चीज़ मिल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मज़ा आएगा। बताऊँगा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको ऑनलाइन 60 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज लगेगा, और अगर आप सीओडी लेते हैं तो आपको 120 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज लगेगा। और अपना आप पैसा बचाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि भाई आप ऑनलाइन ही पेमेंट करना, जिससे कि आपका डिलीवरी चार्ज भी कम लगेगा, बजट भी कम हो जाएगा। तो ऐसी वीडियोज़ का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालते रहता हूँ। और आप चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे रील्स पोस्ट करते रहता हूँ। तो अब मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।